वेलकम बैक टू माई चैनल बी ऑसम TLF। तो वैसे ना गर्मी बहुत हो रही है और गर्मी के मौसम में कौन सी तीन चीज़ें आपको अपने खाने में ऐड करनी ही करनी है, मतलब वो वाली जो स्वाद हो और जिनको खा के मज़ा भी आए और दिल भी खुश हो और ऐसा लगे कि यार आज कुछ अचीव किया लाइफ में, तो वो हम आज आपको बताएंगे। सो पूरी वीडियो देखने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कॉमेंट एंड जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो। मेरे हाथ में देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी पर्चियाँ कटा ली हैं जिस जो चीज़ें मुझे लेनी है। अभी ये दो ही हैं क्योंकि दो ख़त्म करके फिर तीसरी पे जाएंगे, बट ये तीन चीज़ें समर के मौसम में खा सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो और ना मतलब ऐसे मुंह से निकलेगा वाह मज़ा आ गया। तो आज हम लोग हैं जी 3B2 की मार्केट मोहाली में। तो 3B2 की मार्केट मोहाली में क्या क्या है ऐसी चीज़ें वो हम आपको बताते हैं, आ जाओ हमारे साथ। पहली आइटम है जो गर्मियों में मस्ट हैव है, दैट इज़ द मटका कुल्फी। सो ये अमृतसर की स्पेशल मटका कुल्फी है। इसमें अंकल ने डाली है कुल्फी मटके वाली, देन लच्छे, देन शुगर सिरप और साथ में डाला रूह अफ़ज़ा और गूंद कतीरा और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा सारी रबड़ी, बिकॉज मुझे रबड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब बारी है टेस्ट करने की। मैंने बोला था ना ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिन्हें मुंह में डालते ही ना मुंह से आवाज़ आएगी वाह, दिस इज़ सो गुड। जो रबड़ी का स्वाद है, मुंह ठंडा हो गया तो रबड़ी निकल रहा है, रबड़ी का जो टेस्ट है वो कुल्फी के साथ मिलके और ज़्यादा यमी हो गया। साथ में जो इन्होंने गूंद कतीरा लच्छा और रूह अफ़ज़ा डाला है ना, उससे जो टेस्ट आ रहा है ना भाई साहब, वो बहुत ही अमेजिंग है। सो ये तो गर्मियों के लिए फर्स्ट ऑप्शन है जो आपको अपने ऐड ऑन करनी है, जिसे खा के मज़ा भी आए, दिल भी खुश हो और चैन की सांस लोगे यार। सो गाइज ये तो हमारी पहली आइटम थी समर्स के लिए। अब दूसरी आइटम के बारे में आप सबको पता तो होगा बट मेरा बताना तो बनता है ना, तो आओ मेरे साथ। दूसरी आइटम समर्स में मस्ट हैव, वो मोस्ट फेमस द सॉफ्टी। इस सॉफ्टी ने मुझे कॉस्ट किया 30 रुपये और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है जो मुझे दे रहा हो, तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ कोई आगे पर्ची ले ले। भैया पीछे से देख रहे थे कि तुम अपने दिल खुश करके वीडियो बना लो, फिर आता हूँ मैं। कौन कौन सी तरीके की है? चॉकलेट वनीला स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट वनीला मिक्स, चॉकलेट वनीला मिक्स और तीन चॉकलेट है, वनीला स्ट्रॉबेरी है। तो इनके पास जो है सॉफ्टी के तीन फ्लेवर हैं, चॉकलेट वनीला मिक्स एंड चॉकलेट एंड वनीला। तो हम लोग ट्राई करेंगे चॉकलेट वनीला मिक्स। दोनों हाथों में आइसक्रीम्स है, एक मटका कुल्फी जिसका स्वाद टोटली अलग है और दूसरी है सॉफ्टी। मैंने सोच ही रही थी कि आइए कि सॉफ्टी के ऊपर बिस्किट लगाएंगे कि नहीं, बट इन्होंने लगा दिया है। साथ में हमने लिया है चॉकलेट वनीला मिक्स और इन्होंने ऊपर स्प्रिंकल करी हुई है हमारी, क्या कहते हैं इसे, क्या है स्प्रिंकल, बस मेरे को भी नहीं पता, बस स्प्रिंकल करा हमने। तो हम इसको ट्राई करते हैं। टेस्ट टोटली डिफरेंट फ्रॉम दी मटका कुल्फी, बट नो डाउट वेरी टेस्टी। ये मटका कुल्फी के हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा स्वीट है लेकिन मज़ेदार है। सो
दिस ऑल्सो बी द सेकेंड ऑप्शन फॉर यू इन समर्स जो आपको ऐड करना है अपनी लिस्ट में. और अब हम चलेंगे तीसरे ऑप्शन की तरफ, बट पहले हम ना मटका कुल्फी और सॉफ्टी दोनों ख़त्म कर लें बिकॉज आई लव द बिस्किट. बट मटका कुल्फी को मैं दूंगी 5 out of 5, इसको मैं दूंगी 5 out of 3 बिकॉज ये मटका कुल्फी से थोड़ी ज़्यादा स्वीट है. आओ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच यू कैन नॉट फॉरगेट इन समर्स, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ समर्स में मिलती है. सॉफ्टी तो आपको सर्दियों में मिल सकती है, मटका कुल्फी भी शायद मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ गर्मियों में मिलेगा और वो है बर्फ़ का गोला. आओ हमारे साथ. कौन कौन से फ्लेवर्स है भैया? काला खट्टा, रोज, ऑरेंज, मैंगो, खस, मिक्स लेमन. काला खट्टा, रोज, ऑरेंज, मैंगो और मिक्स लेमन. सबसे बेस्ट कौन सा है? काला खट्टा. हर कोई काला खट्टा, सीरियल में भी काला खट्टा. सीरियल का सुन के बोल रहे हो ना? नहीं, ऐसे मेरा फेवरेट काला खट्टा. हाँ, अपना फेवरेट बता रहे हैं मुझे. चलो फिर आपकी मान लेते हैं, लगा दो काला खट्टा. ये क्या डाला? चाट मसाला. अच्छा जी, चाट मसाला. और ये काला खट्टा कोक है क्या है ये? इमली फ्लेवर होते हैं ना, इसको कोक बोलते हैं. कोक है ये गाइस. ओके, मुझे लगा ये फ्लेवर कहीं और तैयार हो रहा है फिर यहाँ. ओके जी, तो हमारा काला खट्टा इज रेडी. सो गाइज, मैंने इनसे पूछा कि भाई आपका फेवरेट फ्लेवर कौन सा है, तो वो कहते हैं भाई आप काला खट्टा लो क्योंकि मेरा फेवरेट है. इसमें इन्होंने चाट मसाला डाला है, 30 रुपये इसने मुझे कॉस्ट करे हैं. एंड इसमें इमली का फ्लेवर होता है, इन्होंने मुझे बोला है. और इसको ये कोला भी कहते हैं. सो लेट्स. बहुत ही ज़्यादा खट्टा है, बट बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है. ये जो है ना, आपके लिस्ट में होना ही चाहिए क्योंकि गर्मियों में ही मिलेगा बॉस, और गर्मियों में ऐसी ठंडक देगा. और अगर काला खट्टा ले लिया तो कांपते फिरोगे क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा है. सो आज हमने आपको बताई है टॉप 3 थिंग्स जो समर में आपकी लिस्ट में खाने की होनी ही चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये मिस कर दिया ना गर्मियों में तो फिर गर्मियाँ अधूरी सी रह जाएंगी. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. अब जरा मैं काले खट्टे का, ओ यार कुछ ज़्यादा ही खट्टा भैया. काला खट्टा खट्टा ही होता है ना. इन्होंने ना चाट मसाला डाल के कुछ ज़्यादा खट्टा कर दिया, मेरा जबड़ा ऑलरेडी सूख गया है. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. टाटा.